हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक को। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 482.40 की करंट प्राइस चल रही है और आज के दिन में स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल चुकी थी। 4% के ऊपर भी जो है हमें कारोबार करता हुआ स्टॉक दिखाई दे चुका था। देखिए दोस्तों, आज बजट है, बजट के चलते स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 480 का, जहाँ पर स्टॉक आने के बाद मल्टीपल टाइम यहीं से हमें स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे। फाइनली आज के दिन में यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी फर्दर स्टॉक में हमें ऊपर की ओर तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। 490 का यहाँ पे 52 वीक हाई भी लग चुका है और अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन और एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन चुका है जो कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। 490 से लेके 493 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहीं से इसमें रिजेक्शन देखने को मिला था। तो दोस्तों हमें जो है ऑलमोस्ट 494 के ऊपर कैंडल सस्टेन करके क्लोजिंग चाहिए, तभी यहां पे अनदर ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन यहां पे बन चुका है। तो अगर आप यहां पे लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के बाद ही इसके अंदर एंट्री बन सकती है, अदरवाइज यहीं से हमें इसमें रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ में अगर हम एमएससीडी इंडिकेटर की बात करेंगे तो एमएससीडी इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर यहां पे देखने को मिल रहा है, जीरो लाइन पे भी ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं टेक्निकल चार्ट पे के सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं टिकर टिप वेबसाइट पे, वहां पे और भी कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जिसने अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अपस्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टिकर टिप वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोर कार्ड की परफॉर्मेंस, इसका लो देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमें हाई देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट की। एंट्री पॉइंट में यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो एवरेज यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन रही है। और सबसे अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं एक बार ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री बनाएं। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। अब आईटीसी कंपनी का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है टोबैको यानी कि सिगरेट्स का, लेकिन एक्चुअली इनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रबर में भी ये काम करते हैं। और साथ ही साथ में आपको क्लासमेट के बुक पे आईटीसी लिखा हुआ दिखाई दिया होगा कभी ना कभी आप स्कूल टाइम पे, तो इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसका जो है मार्केट कैप हमें 582,994 CR का देखने को मिलता है। बहुत कम कंपनियों का इतना जो है हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है और लो रिस्क हमें जो है इस कंपनी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात कर लेते हैं, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। 32 एनालिस्ट यहाँ पे 94% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके चलते स्टॉक में हमें जल्दी ही ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी दोस्तों, फिलहाल जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। जो भी स्टॉक को पहले से ही बाय करके होल्ड कर रहे हो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।